पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए मोहनलाल लतुड़ी हरिद्वार में पंचतत्व में विलीन हो गए। खड़खड़ी शमशान घाट पर उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान शहीद को श्रद्धांजलि देने और अंतिम विदाई देने के लिए एक विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा। हर कोई भारत माता के इस लाल की अंतिम झलक पाने के लिए बेताब था। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सहित सैकड़ों लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस समय देश बड़ा शोकाकुल है। हम सब रो रहे हैं हृदय के अंदर और पूरा देश इस समय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सही समय पर सही जवाब दें। हमारी इस धरती से बहुत सारे सपूतों ने बलिदान दिया है। आज भी हमारी धरती से जो सपूत बलिदान हुए हैं पूरा उत्तराखंड पूरा शोक में डूबा हुआ है। पूरे देश इस घटना से बहुत दुखी है और लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। हर आँखों में जहाँ संवेदना के आंसू हैं वहीं आक्रोश की पराकाष्ठा भी है। शहीद मोहनलाल लतुड़ी को सीआरपीएफ के जवानों ने सशस्त्र गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शहीद के बेटे ने मांग की कि आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। खड़खड़ी शमशान घाट पर जैसे ही सीआरपीएफ की गाड़ी उनका शव लेकर पहुंची तो मानो पूरा हरिद्वार शहीद मोहनलाल अमर रहे के नारों से गूंज गया। शमशान घाट पर मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम थी मगर उनकी आंखों में पाकिस्तान के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्सा था, आक्रोश था। लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। शहीद मोहनलाल अपने पीछे पत्नी, चार बेटियां और दो बेटों को छोड़ गए हैं। उनके बड़े बेटे शंकर रतुड़ी और छोटे बेटे श्रीराम रतुड़ी ने अपने जाबाज पिता को मुखाग्नि दी। अपने पिता को मुखाग्नि देते वक्त बेटों की आंखें नम नजर आई। नवंबर में आए थे देहरादून में, हाँ जी, उसके बाद चले गए थे श्रीनगर में, वहीं ड्यूटी थी पहले। और पांच बच्चे हैं इनके, किराए पे रहते देहरादून में। और हमें गर्व है कि हमारे भाई ने हमारे माता पिता का नाम रोशन किया और अपने जीवन का बलिदान किया भारत माता के लिए। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।